हर हर महादेव, शिव शंकर, भोलेनाथ, शिव शंभू। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों भोलेनाथ तो बहुत ही भोले हैं, अपने हर भक्त की हर मनोकामना को सुन करके उसको पूरा करना उनके लिए जैसे बाएं हाथ का खेल है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ को अगर कोई व्यक्ति, उनका कोई भक्त सच्चे मन से अगर एक लोटा जल भी चढ़ा दे तो उनकी सभी मनोकामनाओं को भोलेनाथ स्वयं आकर के पूरा कर देते हैं। ऐसे में दोस्तों हम आपको आज शास्त्रों में लिखा एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसे अगर आपने कर लिया तो 24 घंटे के अंदर ही आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। दोस्तों इस उपाय के लिए आपको शिवलिंग पर से एक खास चीज उठा करके लेकर आनी है। उपाय भी कुछ इसी प्रकार है। दोस्तों सोमवार के दिन या फिर अमावस्या, पूर्णमासी या फिर किसी भी शुभ मुहूर्त के दिन या फिर अगर आप इन शुभ दोस्तों काफी चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप में शक्तिशाली व चमत्कारी होती हैं, जिन्हें शास्त्रों में भी खास बताया गया है। यहाँ तक कि बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में भी बताया गया है, जिनका परिणाम शीघ्र देखने को मिलता है और जिसके बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम आपको उपाय, टोटका या प्रयोग हम बताएंगे, यह आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए है। धन की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है। काफी लोगों की ये समस्या रहती है कि जो भी मनोकामना वे सोचते हैं वे पूरी हो ही नहीं पाती है, बल्कि धन की जो समस्याएं उनके जीवन में होती हैं वे दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा बड़ी होती जाती हैं। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि जैसे व्यक्ति के पास जब माता लक्ष्मी का साथ नहीं होता है तो व्यक्ति धन की जुड़ी समस्याओं से ग्रसित होता ही जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक विशेष उपाय बताएंगे जिसे आप कर लेते हैं तो आपकी धन की जुड़ी सभी समस्याओं का अंत स्वतः ही हो जाता है। बस आप वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी का नाम पूरे सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से लिखें। साथ ही बजरंग बली की कृपा प्राप्त करने के लिए जय बजरंग बली अवश्य लिखें। मुहूर्त में नहीं करना चाहते तो किसी भी दिन, चाहे कोई भी वार हो, आप उस दिन शिवलिंग से उठाकर ले आइए एक चीज। 24 घंटे के अंदर ही आपकी हर इच्छा हो जाएगी पूरी। दोस्तों ऐसा माना जाता है इस खास उपाय को करने से व्यक्ति की दरिद्रता और गरीबी का स्वयं भोलेनाथ नाश कर देते हैं। इस उपाय को करते ही आपके धन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में आ रही अशांति को भी शांति में बदलते देर नहीं लगेगी। अगर आप प्रेमी युगल हैं और आपके प्रेमी संबंधों में कोई रुकावट आ रही है या फिर प्रेम विवाह में कोई रुकावट आ रही है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, आपको इसका चमत्कार अवश्य देखने को मिलेगा। दोस्तों बताया गया है यदि किसी खास मुहूर्त पर, होली, दिवाली, पूर्णमासी, अमावस्या या फिर कोई भी खास मुहूर्त हो या फिर खास समय हो, उस समय पर अगर कोई व्यक्ति भोलेनाथ से संबंधित यह उपाय करता है तो उसे 24 घंटे के अंदर ही उसका असर देखने को मिल जाता है। आज इस वीडियो में हम जो आपको उपाय बता रहे हैं वह बहुत ही सरल है और बहुत ही चमत्कारी भी है। तो इसीलिए दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें, या फिर आप लिख सकते हैं हर हर महादेव। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस उपाय के बारे में कि आपको कौन सा ये उपाय करना है और किस प्रकार से करना है, क्या है इसकी विधि। इसीलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, गंगाजल, भस्म और भांग से अभिषेक किया जाता है। दोस्तों आप भी अपने लोटे में इन सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा मिला लें और निराकारी शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करें और अंत में थोड़ा सा बचा लें या फिर शिवलिंग से टपकते हुए जल को इसमें थोड़ा सा मिला लें और इसे अपने घर लेकर आए और घर के हर एक कोने में इसे थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। ऐसा करने से घर के सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होकर के घर के सभी संकट भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों अगर शिव के उपायों की बात हो रही है तो शिव के त्रिशूल और उनके डमरू के बारे में तो आपने अवश्य ही सुना होगा। दोस्तों आप एक उपाय और भी कर सकते हैं। यह माना जाता है कि पहले वाले उपाय से भी ज्यादा चमत्कारी है और ज्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए दोस्तों आपको एक त्रिशूल लेकर आना है और आपको अपने घर के नजदीक जो भी भगवान शिव का शिवालय हो वहाँ पर जाकर के एक नया त्रिशूल आपको वहाँ स्थापित कर देना है और साथ ही जो पुराना त्रिशूल है उसे आपको अपने घर उठा करके ले आना है और आपको अपने घर के जो भी पूजा का मंदिर है वहाँ पर इसे स्थापित कर देना है। दोस्तों इस त्रिशूल मात्र को स्थापित करने से व्यक्ति जन जीवन का जीवन यूं ही सुधर जाता है और उसके सभी पापों का अंत होकर के नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और साथ ही साथ उसके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है
उसे धन की कोई भी कमी नहीं रहती है, उसके जीवन में कभी भी गरीबी आ ही नहीं पाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दे में ज्यादा धन्यवाद, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, हर हर महादेव।